जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने लाइब्रेरियन जॉब के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। शानदार जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, और 16 स्किल की ये जॉब है, तो इसके ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हसबे मामूल अपने जो गूगल क्रोम है या वेब ब्राउजर कोई भी उसके ऊपर जाए, तो यहाँ पे आपने लिखना है सखर 22, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर। ये सखर के अंदर जॉब आई है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। तो इस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पोस्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये 22 अक्षर जो मैंने बोर्ड पे आगे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप फिजिकली यहाँ पे अपनी जॉब्स देख सकते हैं। लेकिन जो अप्लाई करना है तो डिफरेंट मेथड है, वो कैसे आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं आपको ऐसे बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर दोनों सूरतों में मैं आपको इस 22 का लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे पोस्ट है, और जैसे आपने अप्लाई करना है वो भी आपको लिंक दोनों शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ जाना है, ये न्यूज एंड अपडेट है सेक्शन, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे टॉप के ऊपर है, आप देख भी सकते हैं एसोसिएशन विगत 2023, तो यहाँ पे हमने जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो 22 सर्कल है उसकी पोस्टें आपने सामने आ रही हैं। तो 4 नंबर के ऊपर, बाकी हम नहीं देख सकते, आपने जो रेलिवेंट पोस्ट है उसी के ऊपर रहते हैं। तो ये चौथे नंबर पे लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 16 स्किल की है, और इसका एक जो पोस्ट है वो है ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर, और 25 से 35 साल तक एज रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको आपके पास जरूर होना चाहिए इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और इसकी फीस वो 1,000 रुपया है, तो 1,000 इसकी जो फीस है, इसके साथ इसकी आखिरी जो डेट है वो 28 जनवरी, 28 से पहले पहले आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। टेस्ट इसका जो है वो CTS एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लेती है। तो मैं आपको दूसरी जो फेज वीडियो है उसके अंदर बता देता हूँ कि आपने कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आपने cds.org.pk के ऊपर जाना है। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये एक टेस्टिंग एजेंसी है CTS के नाम पे है, और इसका ये इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आपने इसको क्लिक कर दे रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें, जी, तो इसके बाद क्या है कि आपने ये पूरी CTS की जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें भी है, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना। आपने क्या करना है कि इसके जो CTS के न्यू प्रोजेक्ट हैं, ये करंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, ये ब्लू कलर सेंटर में है ये, और जिसको मैंने बोर्ड भी कर दिया, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी जॉब चल रही होती है, ट्रेनिंग पोस्ट होती है, जो अवेलेबल होती है वो चल रही होती है। तो ये जी कब जो है ना इसको ओपन किया गया, यहाँ पे 16 जनवरी 2023 को ये ओपन हुई है, सेंड की है ये पोस्ट है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जो 22 की जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पे शो रही है। तो हमने बाकी को छोड़ के अपनी जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की वो ये यहाँ पे है। आप देख भी रहे हैं कि जिसमें बोर्ड भी किया है, और नीचे उसके डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने एक नया जो है वो एडमिशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, और आपने इसको फिल करना है। ऊपर आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन का नाम मेंशन किया हुआ है, नीचे आपने जो जिस बैंक के अंदर फीस पे करनी है वो बैंक नाम लिखेंगे, और जिस डेट को फीस पे करेंगे वो लिखेंगे। नीचे आप देखें तो पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो नाम है, फादर नेम है, आपका आई कार्ड नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर मांग रहा है। दूसरी तरफ पे राइट साइड की बार में देखें तो आपका जेंडर कौन सा है, रिलीजियस कौन सा है, डिसेबिलिटी अगर कोई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, तो वो आपने मेंशन कर देना, पोस्ट एड्रेस वगैरह, सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह कर देना। ये ओपन मेरिट की भी है, और इसके ऊपर आप
अगर कोटा के ऊपर अप्लाई कर रही है तो सेक्टर को मेंशन करना है, अगर आप सखर के हैं तो सिर्फ आपने सेक्टर को अप्लाई करना है। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी आ जाए तो मैट्रिक से लेकर एमए तक की आप तो जो भी क्वालिफिकेशन वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद और आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है यानी कि एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है जहाँ पे आपने जिस महकमे के अंदर काम किया वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और इसके बाद नीचे आपका कैंडिडेट जो है वो आई डी कार्ड नंबर आ जाएगा, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और इसके साथ साथ नीचे देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई डिग्रीज की हुई है, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन आपकी है, कोई कोर्सेज वगैरह हैं तो वो आपने यहाँ पे मैंशन कर देने हैं। उसके नीचे अंडरटेकिंग के ऊपर आपने अपना नाम और डॉटर ऑफ सन या वाइफ ऑफ या सन ऑफ आपने लिख देना है और उसके बाद नीचे डेट सिग्नेचर और आपने इसके साथ ही आपने अपना थंब लगाना है और वो जो पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पे लगा देनी है स्टेपलर के साथ। तो ये चीजें हैं। उसके साथ साथ आपने नीचे अगर देखिए बॉटम के ये नीचे आ रहा है तो इसमें फीस चालान फॉर्म थी और यहाँ पे एमसीबी में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ बाकी जो बैंक है तो एक बैंक और भी थी और उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, मर्जी में आपको बड़ी वीडियो पसंद आएगी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।